हे गाइस, कैसे हैं आप सभी के सभी लोग। आज मेरे पास आईफोन 14 प्लस के दो यूनिट्स, इन दोनों को अपन गिवे भी करेंगे। गिवे में गाइस से पार्टिसिपेट करना है आपको, इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विंजो। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूँ आईफोन 14 प्लस को, और आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या इसकी डिटेल्स है। सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं दे दूंगा। बॉक्स कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बात रही बॉक्स के साइड्स की, तो भाई बॉटम में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एप्पल लोगो, है ना। और भाई प्रोडक्ट रेड है तो भाई रेड कलर का लोगो देखने के लिए मिल रहा है। साइड में यहाँ पे आईफोन लिखा हुआ है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है टॉप साइड में भी आईफोन की ब्रांडिंग है, एप्पल की ब्रांडिंग है। जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे आपको फ़ोन देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने फ़ोन को ऑलरेडी ओपन कर रखा था, दैट्स वाई इसके अंदर से केबल गायब है, और यहाँ पे इसलिए इसमें फिंगरप्रिंट, इस मतलब फिंगरप्रिंट के निशान भी लगे हुए हैं। कुछ इस प्रकार का आपको फ़ोन देखने के लिए मिलेगा। पिछली बार से रेड थोड़ा सा ना ये लाइट हुआ है, पिछली बार अच्छा डार्क रेड था, अभी ये थोड़ा लाइट रेड है। तो इस फ़ोन को अपन चालू करके साइड को रख देते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में डिटेल में। उससे पहले मैं आपको बॉक्स के कंटेंट्स बता देता हूँ, इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो भाई यहाँ पे आपको जो है केबल देखने के लिए मिलेगा। केबल अभी डब्बे में से गायब है, मैंने कहीं और रख दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए मिल जाएगा और स्टिकर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बॉक्स में। आपने ये बात जरूर सोचा होगा कि मैं इतने सारे फोन्स गिव अवे के लिए लाता कैसा हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एक एप्लीकेशन जिसका नाम है विंजो। सो गाइस, इस एप्लीकेशन में आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली अपना नंबर डाल के वेरीफाई माई नंबर पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इवन तो यहाँ पे आप खुद से अर्निंग करके फोन्स भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक विंजो का लूडो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कैरम देखने के लिए मिल जाएगा, स्नेक रस है, और भी काफ़ी सारे गेम्स हैं। अगर आपकी स्किल्स काफ़ी बढ़िया है देन यहाँ पे आप मेरी तरह काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इवन तो यहाँ पे अगर आपका एक रेफरल जो है वो काफ़ी अच्छा है तो यहाँ पे आप अप टू 100 रुपीज़ पर रेफर कमा सकते हैं, जैसे कि मैं अर्निंग करता हूँ। सो गाइस, काफ़ी इजी है, काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इस एप्लीकेशन से अर्निंग कर सकते हैं। जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, जाइए फटाफट से इस एप्लीकेशन। सो यही सब थे बॉक्स में। अभी अपन बात करते हैं यहाँ पे मेन डिवाइस के बारे में। सो भाई यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार का आपको फ़ोन देखने के लिए मिलता है। रेड पिछली बार थोड़ा डार्कर था, इस बार थोड़ा लाइटर रेड आपको देखने के लिए मिलता है। बात रही कैमरा की, तो भाई आपको सेम कैमरा मॉडल पिछली बार की तरह देखने के लिए मिल जाता है। और बात रही बैटरी की, तो भाई इस बार बैटरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड आपको देखने मिलने वाली है इस 13 प्लस वाले मॉडल में। भाई काफ़ी कमाल की बैटरी देखने के लिए मिलेगी। मैंने इसका टेस्ट वगैरह भी बना रखा है, बैटरी टेस्ट आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। यहाँ पे बात करें इसके प्रोसेसर की, तो A15 का बायोनिक चिपसेट आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब सेम चिपसेट है, कुछ ज़्यादा अंतर यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवे नाउ। सो गाइस, गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। तो भाई आपको सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विंजो का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। याद रखिएगा, आपने पहले किसी भी ऐसे नंबर से रजिस्टर ना किया हो इस विंजो पे, उस नंबर से आपको बिल्कुल अभी रजिस्टर नहीं करना है। आपको एक ऑल टुगेदर न्यू नंबर एंड न्यू डिवाइस से आपको रजिस्टर करना है, तभी आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओगे। आपको मेरे लिंक से डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको नंबर अपना नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद याद रखिएगा, सबसे मेन स्टेप है इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो है आपको वहाँ पे गेम जरूर खेलना है। कोई सा भी एक गेम आपको वहाँ पे खेल लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई सा भी एक गेम आपको खेल लेना है। वन सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको मेरे लिंक से डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, जो कि कभी आपने रजिस्टर नहीं किया हो वैसे मोबाइल नंबर से, और उसके बाद आपको एक गेम को खेल लेना है। दैट्स इट, आप इस गेम में पार्टिसिपेट हो जाओगे। बात रही इसका रिजल्ट कब आएगा, तो भाई इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 100K सब्सक्राइबर्स पे, इसी चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसका रिजल्ट। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा 6.7 इंचेस का, जो कि आपको लास्ट टाइम 13 प्रो मैक्स में देखने के लिए मिला था, बट यहाँ पे 60 हर्ट्ज वाला आपको देखने के लिए मिलेगा। iOS 16 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। यहाँ पे 128GB, 256GB और 512GB के वेरियंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 20W की चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे उतना देखने के लिए नहीं मिला है। कैमरा की बात रही तो कैमरा कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया लास्ट टाइम के कंपेयर में, बट ऑलमोस्ट आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, कुछ इतना भी ज़्यादा अंतर नहीं है।
सो गाइज यहाँ पे कुछ यही था फ़ोन, ज़्यादा इसके बारे में बताने को है नहीं, आपको सेम ही फ़ोन देखने के लिए मिलता है, बस यहाँ पे जो है थोड़े बहुत ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सो गाइज आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपको आईफोन की गिवअवे में पार्टिसिपेट करना है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए फटाफट से पार्टिसिपेट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, होप लाइक दिस वीडियो, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।